जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज हम यहाँ पर औसत पढ़ेंगे और औसत में वो टाइप पढ़ेंगे जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और इससे जुड़े हुए प्रश्न आपने कई बार देखे भी होंगे। और ये वाला टाइप बड़ा ही सिंपल है, बस ये है कि थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है। अब देखो यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए हम डायरेक्ट प्रश्नों पर आएंगे और प्रश्न आपके कैसे रहेंगे इस टाइप में, कैसे पहचानोगे कि ये वाला टाइप कौन सा है। तो यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे टाइप लिखा है टाइप, जब बीच की संख्या ज्ञात करने के लिए बोले, मतलब आपको टोटल 12 संख्याएं दी है, 15 संख्याएं दी है, जो भी संख्याएं दी है, राइट। पहली वाली 6 संख्याएं दी है, लास्ट में कुछ संख्याएं दी है और इनके बीच की संख्या निकालने के लिए आपको बोल देंगे। तो इस टाइप के प्रश्न यहां पर बताना है और यहां पे ये सब कुछ ही सीखना है, ठीक है। अब देखो यहां पे ये वाला जो प्रश्न है, ये प्रश्न को पढ़ ले सबसे पहले ध्यान से, क्या बोला है इसमें। तो आपको यहां पर दिखा दे रहा हूं पढ़ के, यहाँ पे दिया हुआ है 12 संख्याओं का औसत 20 है, 12 संख्याओं का औसत कितना है 20 दिया हुआ है, 5 संख्याओं का औसत 18 है तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है। यहाँ पर एक शब्द यहाँ पे मिसिंग है, वो ये है कि यहाँ पे प्रथम नहीं लिखा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है प्रथम, क्या लिखा है प्रथम, प्रथम 5 संख्याओं का औसत कितना है 18 है। तो प्रथम 5 संख्याओं का औसत यहाँ पे निकालो, प्रथम कितनी 5 संख्याओं का औसत आपको दिया हुआ है, एवरेज आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 18 दिया हुआ है, राइट, ये दिया हुआ है। उसके बाद में अंतिम 6 संख्याओं का औसत यहां पर दिया हुआ है, तो अंतिम 6 संख्याएं कौन सी है ये, तो अंतिम 6 संख्याओं का औसत एवरेज कितना दिया हुआ है आपको 22 है, तो यहां पर लिख दो क्या 22, राइट। तो इस तरीके से यहां पे लिख देना सीधे सीधे, जो हर बार हर प्रश्न में हम करते हैं बस वही करना है, इसमें थोड़ा सा बस अलग है, ठीक है। तो अब यहां पे पहले वाली और लास्ट वाली, मतलब प्रथम संख्या दी है 5 और अंतिम संख्या 6 दी हुई है, राइट। तो इनका टोटल औसत निकालो, औसत दिया हुआ है, इनका टोटल योग निकालो। तो इनका योग निकालेंगे तो क्या होगा, योग 5 का इसमें गुणा कर दो, ठीक है, 5 का इसमें गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, तो यहां पे 5 और 40 हो जाएगा, 5 और ये 9, 5 और कितना 4, 9 हो जाएगा, ठीक है, 18 पंचे 90 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर इसका इसमें गुणा कर लिया, फिर इसका इसमें गुणा कर लो तो यहां पे टोटल योग निकल आएगा कि 6 संख्याओं का, या फिर 6 संख्याएं टोटल कितनी हैं। तो इसका इसमें अगर करो तो 6 × 12 हो जाएगा, 6 × 12 और 1 = 13 हो जाएगा, राइट। इस तरीके से यहाँ पे ये आ जाएगा। अब आप ये बताओ टोटल संख्या यहाँ पर कितनी दी हुई, 12 संख्याएं, इनका औसत कितना है इतना है, ठीक है, 12 संख्याओं का औसत कितना है, तो इनका एवरेज आपको दिया हुआ है 20। तो अब ये बताओ इनका सबका योग कितना होगा, तो इसका इसमें गुणा कर दो, 12 × 24 होगा, तो 24 और 1 = 0 = 240 होगा, क्या है ये योग है। सभी संख्याओं का योग इतना है, ठीक है, सभी संख्याओं का योग कितना है 240 है, और यहाँ पर इन दोनों का अलग अलग योग इतना है, तो इनका टोटल योग कितना है, टोटल संख्याएं कितनी हुई 5 और 6 कितना होगा 11 संख्याएं हैं, जबकि यहाँ पे कितना है 12 है। तो यहाँ पे एक संख्या मिसिंग है, उसका आपको आंसर निकालना है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे संख्याओं को जोड़ा, वैसे वैसे इनके योग को जोड़ लो। अब योग को यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 2 होगा, 9 और 3 = 12 होगा, और 1 ये और 1 = 2 होगा, ठीक है, 222 होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे 11 संख्याओं का योग इतना है और 12 संख्याओं का टोटल योग इतना है। अब 12 संख्याओं में से वो संख्या अपने को निकालना है जो मिसिंग है, इसमें नहीं है, जो बीच में कहीं छुटी हुई है, तो इस 12 में से इसको घटा लो, ठीक है, 12 का टोटल योग है, इसमें से इसको घटा लो तो आपका पहली एक संख्या निकल आएगी जो यहां पर नहीं है, एकदम बीच की संख्या। तो 12 माइनस क्या कर दो 11, 12 माइनस 11 करो 11, ठीक है, ये नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन यहां पे बस ये इस योग में से इस योग को घटा देना। अब यहां पर किसको करना है, इसका टोटल योग कितना है 11 संख्याओं का, 222 है, 222 इसमें माइनस करो, ठीक है। अब 10 में से यहां पे 2 जाएगा, कितना बचेगा 8, यहां पे 3 रहेगा, 3 में से 2 गया तो 1, और यहां पे 2 में से 2 गया तो 0, मतलब यहां पे ये है, तो इसमें से 12 में से 1 गया तो ये 11 गया तो 1, ठीक है। तो 1 वो संख्या है जो कितनी है 18 है, ठीक है, और ये संख्या इनमें मिसिंग है, मतलब इधर पहली वाली 5 संख्याएं और लास्ट वाली 6 संख्याएं दी, इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या है, यह है 18, राइट। तो इस तरीके से पहला वाला प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब पहला वाला कंप्लीट होने के बाद में फिर देखें अगला वाला, और अगला हो सके तो वीडियो को रोक ले और आप खुद करें इसको, ठीक है, उसके बाद फिर यहां पर देखें। तो देखो यहां अब यहां पर देखो इसमें भी क्या करना है, इसमें 11 संख्याओं का औसत दिया हुआ है, टोटल संख्याएं कितनी है 11 है, तो टोटल संख्याएं यहां पर 11 है, ठीक है, कुल संख्याएं कितनी है 11, तो 11 संख्याएं हैं टोटल, ठीक है 11। अब 11 का औसत कितना दिया हुआ है एवरेज, तो एवरेज आपको दिया है 12, ठीक है,
ये अब इनका औसत दिया है और यहाँ पे संख्याएं दी है, तो टोटल योग निकाल लो। योग कितना होगा, तो 11 दुना 22 होगा, ठीक है, 11 कम 11 और फिर 2 कितना होगा, 13, ठीक है, 13 तो 132 आ जाएगा, कितना आएगा, 132 आएगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका 132 आ गया और उसके बाद ये टोटल है, ठीक है, टोटल संख्या कितनी है, 11। अब यहाँ पे देखो प्रथम 6 संख्याओं का औसत कितना है, 15 है, पहली 6, तो प्रथम 6, ठीक है, प्रथम 6 संख्याओं का औसत कितना है, तो एवरेज यहाँ पर आपको दिया हुआ है कितना, 15, ठीक है, 15। अब इनका योग निकाल लो, तो यहाँ पे 5 × 30 हो जाएगा और ये 6 और मतलब 9, 15 × 6 = 90 होता है, ठीक है, इस तरीके से कर लेना है। और उसके बाद में फिर अंतिम, अंतिम की बात करें तो अंतिम, अंतिम कितनी दी हुई है, तो अंतिम 4 संख्याओं का औसत 8 है, ठीक है, प्रथम 6 संख्याओं का कितना है, 15 हुआ, योग निकाला, और अंतिम 4 संख्याओं का औसत कितना है, 8 दिया हुआ है, तो 4 संख्या यहां पर लिखो और यहां पर एवरेज कितना है, 8 है, योग निकाल लो, तो 4 × 8 = 32 हो जाएगा, ये 32 आ गया, राइट। अब इनको यहां पे ये संख्याएं कितनी है टोटल, ये कितनी हुई, यहां पर टोटल 11 है, ठीक है, और यहां कितनी है, तो यहां पर 10 है, 10 है, इसका मतलब ये है कि इसमें से एक संख्या मिस है, एक मिसिंग है, ठीक है, तो जो इसमें नहीं है, जो बीच में कहीं छूट गई है, उसको आपको निकालना है, ठीक है। तो उसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसका योग कर लो, इसको जोड़ा तो इसको भी जोड़ लो, तो यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 12 होगा, 122 हो जाएगा, ठीक है, कितना होगा, 122 हो जाएगा। अब 122 हो गया, तो इसमें से 11 में से ये 10 को माइनस कर दो और इसका टोटल कितना है, टोटल, तो टोटल यहाँ पे 10 संख्याओं का 122 है, 122 है। अब जो संख्या नहीं है, जो आपको निकालनी है, वो निकल जाएगी, 11 में से 10 गया तो एक एक संख्या आ गई, और वो संख्या कौन सी है, तो वो यहाँ से निकलेगी, 2 में से 2 गया था 0, और 3 में से ये गया 2, तो एक बचेगा और ये 0, मतलब कितना है, 10 है, कितना है, 10, तो 10 वो संख्या है जो मिसिंग है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे सातवीं संख्या याद कीजिए, सातवीं संख्या कौन सी है, ये 10 है, ठीक है, कौन सी है, सातवीं संख्या, ठीक है, पहले कौन सी निकाली थी हमने, छठवीं संख्या, मतलब जो भी नहीं है वो संख्या निकल आएगी, इस तरीके से हम करेंगे, योग निकालेंगे, घटा देंगे टोटल में से, तो ऐसी संख्याएं निकल आएगी, राइट। तो इस तरीके से यहां पे ये सवाल हुए। अब इसी टाइप के सवाल और लेते हैं एक दो, चलिए अब इसके बाद में यहाँ पे छोटा सा प्रश्न एक और है, ठीक है, तो इस प्रश्न को यहाँ पर देख लें, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 20 संख्याओं का औसत, यहाँ पे दिया हुआ है 15, ठीक है, आगे प्रथम 12 संख्याओं का औसत 18 है तथा 7 संख्याओं का औसत 11 है, 13वीं संख्या आपको ज्ञात करना है, ठीक है, प्रश्न को वैसा ही प्रश्न है जैसे अपन ने किया है। अब यहाँ पे क्या करो, सबसे पहले टोटल जो संख्याएं हैं उसका निकाल लो, तो 20 संख्याएं हैं टोटल, ठीक है, तो 20 संख्याओं का निकालो, यहाँ पे 20 का कितना एवरेज औसत दिया हुआ आपको, कितना है, 15, तो यहाँ पे 15 और टोटल योग कितना आएगा, योग निकालो इसका, तो इसमें इसका गुणा कर लो, ठीक है, 15 × 2 = 30 आएगा, 30 आएगा, मतलब ये 300 आ जाएगा टोटल, ठीक है, कितना आएगा, 300 आएगा। अब इसी टाइप से ये निकाल लिया, अब 12 यहाँ पे लिखा है, प्रथम 12 संख्याओं का औसत कितना है, 18 है, प्रथम 12 संख्याओं का पहली, ठीक है, टोटल कितनी है, 20, तो 20 की शुरुआत से लेकर जो 12 संख्याएं हैं उनका औसत कितना है, 18 है, तो प्रथम 12 का निकाल लो यहाँ पे, प्रथम 12 संख्याओं का एवरेज कितना है, 18 है, ठीक है, पहले लिख लो, और अंतिम 7 संख्याओं का औसत कितना है, तो यहाँ पे 11 है, तो अंतिम का भी लिख लो, अंतिम, ठीक है, और योग बाद में निकाल लेंगे, अंतिम 7 संख्याओं का औसत कितना है, तो यहाँ पे है 11, ठीक है, इधर यहाँ पे 18 मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिखना है, ठीक है, ये है एवरेज औसत। अब टोटल योग निकालो इसका और इसका निकालो, ठीक है, इसका ये यहाँ पे इसका इसमें गुणा कर लो, 18 में 12 और 18 में, तो कितना आएगा, 216 आएगा, कितना आएगा, 216 आ जाएगा। उसके बाद 7 का 11 में करो, कितना आएगा, 77 आएगा। इन दोनों को यहाँ पे संख्याओं को जोड़ो कितनी हुई, तो संख्या यहाँ 12 और 7 कितना होगा, 19 होगा, ठीक है, 19 होगा, जबकि रियल में कितनी है, यहाँ पे 20 संख्याएं। अब इसमें कौन सी छुटी हुई है, तो 13वीं संख्या छुटी हुई जो आपको निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको जोड़ो, तो यहाँ पे 6 और ये 6, 12 और 13 की 3, ठीक है, एक ऐसी लाएगी, उसके बाद 7, 8 और एक 9, 293 आएगा, कितना है, जो 19 संख्याएं हैं, इन 19 संख्याओं का टोटल योग कितना है, 293 है, जबकि यदि पूरी 20 संख्याओं की बात करें तो उसमें 300 है, ठीक है। तो अब ये बताना है कि जो छुटी हुई है 13वीं संख्या, ये कौन सी है, ये कितना होगा, तो 13वीं संख्या छुटी हुई है उसको निकालने के लिए क्या करना है, यहाँ पर इधर 19 संख्याएं हैं, 19 का योग यहाँ पर लिखना है, 293 लिखना है। अब इसमें से इसको घटा लो, तो यहाँ पे एक नंबर मिल जाएगा, एक संख्या मिल जाएगी, ये कौन सी है, 13वीं संख्या, कौन सी निकली है,
13वीं संख्या जो छुटी हुई थी वो है ये। अब इसका मान कितना है, तो इसमें से 10 में से 3 को घटा लो, यहाँ पे कितना 7 आएगा, इधर 10, ये 9 में से 9 तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो संख्या है 13वीं संख्या कौन सी है, 7 है, ठीक है, कितनी है 7 ये। तो इस तरीके से यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। तो इस टाइप के प्रश्न जो भी मिले आपकी बुक में उनको प्रैक्टिस करना है और अपने जो पढ़ाई है उसको थोड़ा सा मजबूत करना है, ठीक है, ताकि हमारे जो भी एग्जाम है उसको आसानी से निकाल पाएं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।